If you are looking for Nika gift hamper idea, then stay tuned and watch this video till end. If you are new to my channel, then subscribe please and press bell icon. Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Michelle Fatma. आज मैं आपके लिए एक निकाह गिफ्ट हैम्पर आइडिया लेकर आई हूँ। इस बास्केट में क्या है जानने के लिए आज की वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं कि इस बास्केट को मैंने कैसे तैयार किया। इस बास्केट में मौजूद कस्टमाइज निकाह दुपट्टा और कस्टमाइज डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट का ऑर्डर एक रोज़ पहले मैं देकर आई थी। ये मैरिज सर्टिफिकेट मैंने एक फ़ोटो स्टूडियो से बनवाया था, जबकि मेरा ख़्याल था कि ये जहाँ पर वेडिंग कार्ड बनते हैं वहाँ से ये बन जाएगा, लेकिन वहाँ से नहीं बना था। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट था। ये मैरिज सर्टिफिकेट आप कोई भी टेम्पलेट दिखाकर बनवा सकते हैं। इसमें डेट, प्लेस और नेम मेंशन होते हैं। ये एक बेहतरीन गिफ्ट है जो आप किसी को भी उसके निकाह पर दे सकते हैं। इसके बाद हम उस शॉप पर गए जहाँ पर निकाह दुपट्टा बनने के लिए दिया था। उन्होंने लोड शेडिंग की वजह से दुपट्टा तैयार नहीं किया था। मैंने सोचा आपको इसका प्रोसेस दिखा देती हूँ। मैंने रेड नेट फैब्रिक का दुपट्टा लेकर उसे किरण लेस लगवाकर इनको दिया। इन्होंने जहाँ लिखना था उसके नीचे सेम कलर का एक फैब्रिक लगाया और गोल्डन थ्रेड, जिसे तिल्ला कहते हैं, उसके साथ मशीन से लिखना स्टार्ट कर दिया। आप कुछ भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, जैसे बाबा की रानी या जिससे निकाह होने जा रहा है उसकी दुल्हन, या कबूल है। कबूल है फ्रंट बॉर्डर पूरे पे आता है। लास्ट पे उन्होंने फैब्रिक जो लगाया था वो कट कर दिया और 45 मिनट में ये दुपट्टा तैयार हो गया। फिर हम कांच की चूड़ियों के स्टॉल पर आए। वहाँ से हमने डिफरेंट कलर्स की चूड़ियाँ सिलेक्ट की और एक सेट तैयार करवा लिया। इसके बाद हम उस शॉप पर आए जहाँ से वेडिंग का सामान मिलता है। यहाँ से एक बास्केट चूज़ की। इनके पास काफ़ी वैरायटी थी और उसमें अपनी चीज़ें पैक कर, पैकिंग के लिए नेट उन्होंने मैयर करके बास्केट के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर ली। ये माशाल्लाह आर्म बैंड और ये निकाह पेन भी मैंने इसी शॉप से परचेज़ किया। और ये था डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट विद फ्रेम। इन सब चीज़ों को मैंने पैक करवा लिया। क्योंकि दुपट्टा अभी तैयार हो रहा था तो मैंने सोचा उसे मैं घर जाकर खुद रख लूँगी। आप इसमें निकाह पेन के साथ अगर पेन ट्रे अवेलेबल हो तो वो भी रख सकते हैं, या दूध पिलाई के लिए ग्लास और ग्लास ट्रे भी रख सकते हैं। इस तरह से इन्होंने इनको एक रिबन के साथ नेट को बांध दिया और ऊपर से एक्स्ट्रा नेट को कट कर दिया। नेट को कट करने के बाद साइड्स वाली नेट को पकड़कर पिन अप कर दिया और इस तरह से ये पैकिंग हो गई। लास्ट पे हमने एक फ्रेश फ्लावर का बुके लिया। घर पहुंचकर मैंने कस्टमाइज्ड निकाह दुपट्टा और चॉकलेट भी इसमें रख दी। आप इसमें गजरे और फूल माला भी रख सकते हैं अगर आप निकाह डे पर भेज रहे हैं। मैंने क्योंकि दो दिन पहले ये गिफ्ट हैम्पर भेजा था इसलिए मैंने ये चीज़ें स्किप कर दी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये निकाह गिफ्ट हैम्पर आइडिया कैसा लगा।